आरबीआई के फिर से रेट हाइक होने वाले हैं, क्या मार्केट फिर से गिरने वाली है, फिर से क्रैश होंगी? सभी की नजर आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी एमपीसी की मीटिंग के ऊपर टिकी हुई है। एक्सपर्ट्स का यह भी कहना है कि मीटिंग के फाइनल डे पर यानी कल 8 जून को आरबीआई फिर से एक बार फिर अपना रेपो रेट बढ़ा सकती है। इकोनॉमिस्ट का कहना यह भी है कि 25 से 50 बेसिस पॉइंट तक रेपो रेट को बढ़ाया जा सकता है। पिछले महीने भी आरबीआई ने आपने देखा होगा कि इन्फ्लेशन को मुकाबला करने के लिए, उसको कर्व करने के लिए रेपो रेट को कुछ 40 बेसिस पॉइंट तक बढ़ाया था और कैश रिजर्व रेशियो को सीआरआर जिसे हम कहते हैं उसको भी 50 बेसिस पॉइंट तक बढ़ा दिया गया था। अगर एक बार फिर से रेट हाइक होते हैं तो आम आदमी और रिटेल निवेशक को फाइनेंशियली अपने निजी जीवन में और डेली रहन सहन के सुधार में काफी ज्यादा चेंजेस करने पड़ेंगे क्योंकि महंगाई से मुकाबला करने के लिए उसको सब करना पड़ेगा। आइए चलिए देखते हैं कि क्या होगा इस बार अगर आरबीआई अपना रेपो रेट और सीआरआर फिर से बढ़ा देती है। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इंडिया के बेस्ट ब्रोकर के साथ अकाउंट खोलना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सबके लिंक दिए गए जैसे फायर्स, मास्टर्स कैपिटल, एंजल ब्रोकिंग, जीरोधा, अपस्टॉक्स, पेटीएम मनी, स्टॉक्स कार्ड, जिसके साथ भी आप चाहे अपना अकाउंट खोल सकते हैं। और अकाउंट खोलने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि आप मेरे ट्रेडिंग रूम में एंटर कर सकते हैं, ये पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन होगी आपको पेमेंट प्लान चूज करने में। ज्यादा डिटेल की आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आप हमारी टीम को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं और आज ही अपनी ट्रेडिंग की शुरुआत कीजिए। एक बढ़िया ट्रेडिंग कीजिए, एक्यूरेट ट्रेडिंग कीजिए हमारे ट्रेडिंग रूम को ज्वाइन करने के साथ। रेपो रेट तो ठीक है लेकिन बैंक्स आरबीआई को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो सीआरआर कैश रिजर्व रेशियो को ना बढ़ाए। पिछले रेट हाइक में जहां रेपो रेट 40 बेसिस पॉइंट से बढ़ा था वहीं सीआरआर 50 बेसिस पॉइंट से बढ़ा था, लेकिन इस बार इंडियन बैंक एसोसिएशन ने सभी बैंक्स की तरफ से आरबीआई को एक लेटर लिखा है, रिक्वेस्ट लेटर सबमिट किया है कि वो सीआरआर को ना बढ़वाए। उनका कहना है कि पिछले कुछ महीनों से पहले ही कंपैरिजन में एक्सेस लिक्विडिटी 6 लाख करोड़ से गिरकर 3.5 लाख करोड़ हो गई है और लास्ट टाइम के हाइक ने तो सिस्टम से 90,000 करोड़ रुपए निकाल दिए थे। बैंकों का यह कहना है कि इफ सीआरआर इज हाइक हेयर ऑन इट विल पुट दिस सिस्टम इनटू अ लिक्विडिटी एफिशिएंट, वी आर अप्रोचिंग द पीक क्रेडिट सीजन सून एंड सच अ मूव विल क्रिएट बॉटलनेक। दोस्तों ये तो नहीं बैंक्स की बात, लेकिन कैसे होगा आम आदमी पर इस रिपोर्ट रेट का असर? अगर ये रिपोर्ट बढ़ जाती है तो डेफिनेटली लोन के इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएंगे, फिर चाहे वो आपका होम लोन हो, चाहे वो पर्सनल लोन हो, चाहे व्हीकल लोन हो या फिर कोई भी ऐसा दूसरा लोन। एग्जिस्टिंग बोरोवर्स जिन्होंने फ्लोटिंग रेट पे लोन लिया हुआ है उनके तो ईएमआई बढ़नी ही बढ़नी है। जी हाँ, रेपो रेट के बढ़ने से बोरोवर्स को काफी जोर का झटका लगने वाला है। और अगर एक बार ईएमआई बढ़ जाए तो आप तो जानते ही हैं कि कैसे बाइंग कैपेसिटी कर्व हो जाती है, कैसे उस पर इफेक्ट होता है। और दूसरी तरफ से फिक्स डिपॉजिट के रेट तो बढ़ जाएंगे और जैसे एफडी के इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे बहुत सारे लोग बाजार से पैसा निकाल के एफडी में जाने की कोशिश करेंगे और आखिर एफडी स्टॉक मार्केट और दूसरे इन्वेस्टमेंट से ज्यादा सेफ बन जाती है और इससे होगा क्या? और फिर से इसके चक्कर में शॉर्ट टर्म में मार्केट क्रैश भी हो सकती है। जी हाँ, ये खतरा बाजार के वो बना रहेगा। वैसे भी काफी वक्त से एफपीआईज ने बहुत सारा मार्केट से अमाउंट निकाला है, वो लगातार बेच रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि एज एन इन्वेस्टर आपको क्या करना चाहिए ऐसे सिनेरियो के अंदर। वेल, मार्केट अभी काफी डाउन है और वोलेटाइल भी है, तो ऐसे समय में आपको अपने स्टॉक्स को होल्ड करना चाहिए, क्वालिटी स्टॉक्स को एक्युमुलेट करना चाहिए, सिप को प्लान करना चाहिए, म्यूचुअल फंड्स की तरफ आपको रुझान करना चाहिए, आपको पेशेंस रखना चाहिए क्योंकि मार्केट अगर गिर रही है तो मार्केट एक टाइम पे बढ़ेगी भी और ऐसे टाइम पे आपको अच्छे स्टॉक्स को एक्युमुलेट करने का, बाय ऑन डिप्स करने का बहुत अच्छा मौका होता है। क्वालिटी स्टॉक्स को फाइंड आउट कीजिए और हमेशा से उनमें माल उठाते रहिए, इक्विटी बाय करते रहिए क्योंकि ऐसे टाइम पे जब आप सोचते थे कि बाजार महंगा हो गया है तब आप बाय करने की सोचते थे कि शायद बाजार नीचे आए तो हम ले लेंगे, आज बाजार नीचे है तो आप फिर डर रहे हैं। तो डरने की जरूरत नहीं है। अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं, अच्छी ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, हमारी लाइव ट्रेडिंग रूम को ज्वाइन कर सकते हैं, उसकी डिटेल पाने के लिए आप हमें मैसेज कर सकते हैं। अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो सबसे पहले डीमैट अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट खोलिए, उसके लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। इस उतार चढ़ाव की जिंदगी में जो स्टॉक मार्केट से जुड़ी हुई है यहाँ पे आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपको अच्छे स्टॉक्स को अच्छी वैल्यूएशन पे सिर्फ एक्युमुलेट करना है। As an investor, you will never lose if you pick quality stocks at good time, at corrections. Because every correction, every crash is an opportunity. मिलते हैं किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन को हिट कीजिएगा और हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूले ताकि वहां पे आपसे कोई भी अपडेट मिस ना हो। मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में। देखिए, बाय बाय, जय हिंद।